एक तरफ जहां इस विशाल दुनिया का हिस्सा हम इंसान हैं, तो वहीं इसका दूसरा हिस्सा यहां पाए जाने वाले जीव जंतु बनते हैं। वैसे ये बताना तो मुश्किल होगा कि इस दुनिया में कुल कितने जीव हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार इस संसार में लगभग 9 लाख से भी ज्यादा तरह के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम इन कीड़ों से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। फिर चाहे हम अपने घरों में अक्सर ही दिखाई देने वाले मच्छर और मक्खियों की बात करें, या फिर घरों के बाहर दिखने वाले दूसरे कीड़ों के बारे में, हमें अक्सर ही इन कीड़ों को देखकर बहुत गुस्सा आता है और कई बार तो हम इन्हें मारने तक की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा करने का मन रखते हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि भले ही हमारी नजर में ये महज कोई कीड़े होते हैं, लेकिन वहीं अगर सच्चाई की बात करें तो धरती पर खाद्य पदार्थों का उत्पादन से लेकर हमारे वातावरण को बचाने में भी इन कीड़ों का काफी योगदान होता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये कीड़े इस दुनिया के वातावरण को बेहतरीन बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम हैं जो बिना कुछ सोचे समझे इन कीड़ों को मार डालते हैं। शायद आपको ये बात मालूम नहीं हो, लेकिन घरों के विनाश और मारे जाने के चलते इस दुनिया में इन कीड़ों की आबादी भी तेजी से कम हो रही है। और अगर इनके विनाश का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब इस दुनिया से कीड़े ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कीड़ों के खत्म हो जाने से हमारी धरती सुरक्षित हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार यदि इस धरती पर से सारे कीड़ों को खत्म कर दिया जाए तो संभव है कि हम यानी इंसान भी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, इन कीड़ों के बारे में इतना कुछ सुनकर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो कौन से कीड़े हैं जो धरती के लिए इतने जरूरी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कीड़ों से मिलवाने वाले हैं जो बेहद स्पेशल हैं। येलो गार्डन स्पाइडर। इस लिस्ट की शुरुआत में हम आपके लिए जिस इंसेक्ट को लेकर आए हैं, इसे येलो गार्डन स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर अमेरिका से लेकर कनाडा और मेक्सिको में पाए जाने वाली ये मकड़ियां अपनी खूबसूरती के लिए पहचानी जाती हैं। दरअसल इन मकड़ियों का शरीर काले और पीले रंगों से मिलकर बना होता है, जिसके चलते ये दूर से भी पहचान में आ जाती हैं। आमतौर पर इन मकड़ियों के शरीर का आकार दूसरी मकड़ियों की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। इन मकड़ियों को गार्डन में अपना जाल बुनना अच्छा लगता है और इसी जाल की मदद से ये अपने शिकार को भी पकड़ती हैं। हालांकि इन येलो गार्डन स्पाइडर के शरीर में पाया जाने वाला जहर हम इंसानों के लिए तो हार्मफुल नहीं होता, लेकिन छोटे कीड़ों जैसे मक्खियों, मधुमक्खियों और अन्य उड़ने वाले कीड़ों के लिए परेशानी बन जाता है। इसी के साथ ये इन कीड़ों से हमारे गार्डन के पौधों को होने वाले नुकसान से भी बचा लेती हैं। कई बार तो जब इन मकड़ियों के शरीर का आकार अधिक बढ़ जाता है तो ये टिड्डों और छोटे चूहों आदि को भी गार्डन में कदम रखने से रोक देती है। यानी जिन मकड़ियों से हम हमेशा डरते हैं और इनके जालों को गार्डन में से हटा देते हैं, वे भी हमारे लिए अच्छा काम कर जाती हैं। मैंटिस। बात गार्डन की हो रही है तो जरा इन मैंटिस पर भी नजर डाल लेते हैं। हम अक्सर ही अपने घरों के आसपास या घास के बीच में इन शैतानों को भटकते हुए देखते हैं। आमतौर पर इन मैंटिस को लेकर लोगों का यही मानना है कि ये काफी खतरनाक होते हैं और किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सच भी है, क्योंकि मैंटिस बहुत तेज कीड़ा होने के साथ ही बेहद खतरनाक भी होता है। ये अपने शिकार पर अपने नुकीले कांटों से भरे पैरों से हमला करता है और पल भर में ही उसका काम तमाम कर देता है। इसके इस खूंखार रवैये को देखते हुए ही लोग जहां भी इस शिकारी को देखते हैं तो इसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच अगर पर्यावरण के लिहाज से बात करें तो ये मैंटिस हमारे घर के गार्डन के लिए किसी सुरक्षा गार्ड से कम नहीं है। ये गार्डन में आने वाले दूसरे कीड़ों को पौधों के पास भी नहीं आने देते और इनसे उन पौधों को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि मैंटिस पेड़ पौधों पर हमला करने वाले छोटे कीड़ों को तो अपना शिकार बनाती ही है, लेकिन कई बार ये तितलियों और छोटे सांपों तक को भी मार गिराता है। हालांकि ये मैंटिस कहीं ना कहीं हम इंसानों के लिए भी किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, लेकिन इस बीच इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता
कि ये हमारे पेड़ पौधों की रक्षा भी बखूबी करना जानते हैं। वैसे इन मैंटिस के बारे में आपको एक और खास बात बता दें कि इन कीड़ों की गर्दन बेहद लचीली होती है, जिसके चलते ये इसे 360 डिग्री तक घुमाने में सक्षम होते हैं। यही नहीं, जब ये मैंटिस अपने पिछले पैरों पर खड़े होते हुए आगे वाले पैरों को मोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रे कर रहे हैं। इनके इस पोज को देखते हुए ही इन्हें प्रेइंग मैंटिस के नाम से भी जाना जाता है। सेंटीपेड्स। दोस्तों, सेंटीपेड्स यानी कन खजूरों से तो हम सभी भली भांति वाकिफ हैं। अक्सर ही जब हम इन्हें अपने घरों में घुसते देखते हैं तो तुरंत ही या तो इन्हें घर से बाहर भगा देते हैं या फिर इनका काम ही तमाम कर देते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन कान खजूरों के घर में रहने से आपको कई दूसरी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। ये घरों में रहते हुए दूसरे कीड़ों जैसे चींटी, खटमल, मक्खियों आदि को मार डालते हैं और उन्हें हमारे घरों में गंदगी और कई बीमारियां फैलाने से रोकते हैं। जब कोई कीड़ा घर में घुसने की कोशिश करता है तो कान खजूरा उसे अपने पैरों से पकड़ लेता है और फिर उसके शरीर में अपने डंक से जहर इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद वो कीड़ा इसकी गिरफ्त में आकर कुछ ही देर में मर जाता है। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन जब कान खजूरों हमारे घरों में होते हैं तो खटमल जैसा जीव भी घर में आने से डरता है। वरना आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब हमारे घरों में खटमल घुस जाते हैं तो फिर हमें काट काट कर हमारी नींद भी खराब कर देती हैं। इसके अलावा दीमक जैसे इंसेक्ट भी कान खजूरों से खौफ खाते हैं और इनसे दूर ही रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कान खजूरों को दीमक खाना बेहद पसंद होता है और जब ये घर में आते हैं तो दीमक खुद ब खुद ही उस घर से बाहर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कान खजूरों से बच पाना उनके लिए भी आसान नहीं होने वाला है। वैसे दीमक के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इन्हें लकड़ी खाना बेहद अच्छा लगता है और ये जब एक बार हमारे घरों के फर्नीचर को अपना घर बना लेते हैं तो फिर उसे खत्म करके ही दम लेते हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई कान खजूरा घर में आ जाए तो फिर दीमक की भी खैर नहीं। इसलिए हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगली बार अगर कोई कान खजूरा घर में आना चाहे तो उसे आने दे, क्योंकि वही है जो आपके घर से बीमारियों और दीमक को दूर रख सकता है। लेकिन यहाँ आपके मन में भी एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या ये हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता? तो आपको बता दें कि ये कान खजूरे भले ही आक्रामक होते हैं और इनके शरीर में जहर भी पाया जाता है, लेकिन ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते, बशर्ते कि इन्हें उकसाया ना जाए या फिर मारने की कोशिश ना किया जाए। क्योंकि जब ये अपनी जान को मुसीबत में देखते हैं तो फिर अपना गुस्सैल स्वभाव दिखाने से भी पीछे नहीं हटते और बाइट कर सकते हैं। हालांकि इनका काटना आपको थोड़ा दर्द जरूर दे सकता है, लेकिन घातक साबित नहीं होता। हालांकि कुछ लोगों में इनके जहर से एलर्जी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन ये बहुत अधिक नहीं होती। दरअसल ये कान खजूरे हमारे घरों में कोई घोंसला या अपने रहने की जगह भी नहीं बनाते हैं। ये ना ही हमारे घर को कोई नुकसान पहुंचाने में भरोसा रखते हैं और ना ही इन्हें हमारे घर के खाने में कोई इंटरेस्ट होता है। कान खजूरों को तो केवल घरों में यहाँ से वहाँ घूमना और दूसरे कीड़ों को अपना शिकार बनाना पसंद होता है, जिस कारण कीड़े इन्हें देखते ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वैसे इन कान खजूरों के बारे में बता दें कि इनके पास बहुत सारे पैर होते हैं, जिन्हें देखकर अक्सर ही लोग इनसे डर भी जाते हैं। इनके पैरों को लेकर ये भी कहा जाता है कि इनके पास 100 पैर होते हैं, लेकिन असलियत में इनके इतने पैर नहीं होते। हाँ, ये जरूर सच है, इनके पास 15 से लेकर 177 pairs ऑफ लेग्स होते हैं, जो कि इनकी सभी प्रजातियों में कम या ज्यादा हो सकते हैं। इसके साथ ही ये भी बता दें कि इनमें पैरों की जोड़े विषम संख्या में होते हैं। कान खजूरों के पैरों के अलावा इनकी एक खासियत इनके सिर पर पाया जाने वाले एंटेना भी हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार का पता लगा पाते हैं। हंट्समैन स्पाइडर। आज की इस लिस्ट में आखिरी में हम आपके लिए फिर से एक मकड़ी को ही लेकर आए हैं, लेकिन ये कोई आम मकड़ी नहीं बल्कि बेहद ही स्पेशल होती है। इसका नाम हंट्समैन स्पाइडर है, जो अपनी हंटिंग स्टाइल के लिए काफी फेमस है। आमतौर पर ये मकड़ियां ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में पाई जाती हैं और लोग इन्हें घरों में भी रखना पसंद करते हैं। इसकी वजह है इन मकड़ियों का साइज। दरअसल हंट्समैन स्पाइडर के शरीर की लंबाई करीब 1 इंच तो वहीं इसके पैरों की लंबाई 3 से लेकर 6 इंच के करीब होती है। इसके अलावा कई मकड़ियों का शरीर तो इससे भी बड़ा होता है। अपने इस बड़े शरीर के चलते ये दूसरे जीवों के लिए काफी खतरनाक भी हो जाती है।
छोटे कीड़ों के लिए तो ये चलती फिरती मौत है ही, लेकिन कई बार तो ये चूहों के लिए भी आफत बन जाती है। जी हाँ, इसका पैर इतने मजबूत होते हैं कि ये घर में घूमने वाले चूहों को भी नहीं छोड़ती। वहीं अगर इंसानों के लिहाज से देखें तो ये मकड़ियां भले ही बड़ी होती हैं, लेकिन हम इंसानों के लिए उतनी घातक नहीं होती। हालांकि इनका डंक इंसानों को दर्द जरूर पहुंचा सकता है और इसके बाद सूजन भी आ सकता है, लेकिन इसका असर भी कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। हम अक्सर ही ये सोचते हैं कि इस धरती पर पाए जाने वाले हर कीड़े मकोड़े से हमें परेशानी हो सकती है, लेकिन असलियत में कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जो दिखने में भले ही खतरनाक हैं, लेकिन उतने खतरनाक साबित नहीं होते। आज हमने आपको उन्हीं कीड़ों में से कुछ के बारे में बताया है। वैसे आपको इनके बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन भी दबाते जाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।